इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और टू आईआईटीएंस पर कॉन्सेप्ट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप टू आईआईटीएंस के ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। चलिए देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो अब देखिए, इसमें जो इस फिगर में डिजाइन है, तो डिजाइन बनाने के बजाय मैंने क्या किया है कि मैंने एक सिंपल फिगर बना लिया है। और देखिए, आप डिजाइन वाला फिगर पहले ही आप अपने कॉपी पर बना लीजिए, लेकिन आपको सॉल्व करने के लिए आपको यही फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि उसमें डायगनल नहीं दिया हुआ है और आपको डायगनल बनाना पड़ेगा तभी आपको सिमेट्री मिलेगी। डायगनल जब आप बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, चाहे इसका चाहे इसका, इन दोनों में से कोई एक एरिया आप कैलकुलेट करेंगे और उसको डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरे का एरिया हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए मैंने जो डायग्राम आपको बाद में बनाना पड़ेगा मैंने उसी से शुरुआत की है। ठीक, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप बुक से देख करके आप उस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, बट मैंने जो आपको सॉल्व करने के लिए जो डायग्राम की जरूरत है मैंने उसी डायग्राम को कंसिडर किया है क्वेश्चन में। ठीक, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन की जो आउटलाइंस होती है वो मैंने लिख दी है। इन दिस फिगर ABCD is a square, ठीक? Angle BAD हमारा कितना है? 90 degree है। ADFB is a quadrant circle, ठीक? ADFB is a quadrant circle whose radius is 8 centimeter, ठीक? तो R is equal to 8 centimeter हो गया है। We have to find area of region D, ठीक? DF, ठीक? क्या है? DFB, ED. ठीक, तो इस एरिया का हमें, इस रीजन का एरिया हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। DFBED is equal to 2 into area portion, क्या हो जाएगा, DFBD, ठीक। तो देखिए, एरिया ऑफ पोर्शन DFBD is equal to क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक। क्या चाहिए हमें, DFBD, ठीक, ये एरिया हमको चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके लिए हमें ये जो आपका सेक्टर है इसको कंसीडर करना होगा। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर आपका हो जाएगा ADFBA माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ABD, तो ये आपका हो जाएगा थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू, और जो हमने रेडियस ले रखी सर्कल की, ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट सर्कल होगा बेसिकली, पाई आर स्क्वायर माइनस, और ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, और ये आपका क्या हो जाएगा, AD इंटू AB। ठीक है, ओके, तो फिर देखिए इसको, तो अब थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है आपकी 8, ठीक, माइनस हाफ, और ये AD इंटू AB, ये दोनों साइड्स कितनी है, 8 है,
ठीक है, तो ये 90 से हम इसे डिवाइड करेंगे या इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, 90 डिवाइड बाय 360 इंटू 22 बाय 7 इंटू 8 इंटू 8 माइनस हाफ इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। और देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे आपका 4 टाइम्स जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे ये आपका कितना 11 टाइम्स जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 44 इंटू 8 माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये आपका 32 जाएगा, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 352 माइनस 32, ठीक, 352, एक सेकेंड, ये आपका हो जाएगा 11 इंटू 4 44 इंटू 8 बाई 7 माइनस, और ये आपका हो जाएगा 32, ठीक, और ये आपका हो जाएगा 352 बाई 7 माइनस 32, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 352 माइनस, और ये आपका 72 जा 14 और 73 जा 21, और ये आपका हो जाएगा 22 बाई 7, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें कैरी लेना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 8 और ये आपका हो जाएगा 21, ठीक, 128 बाई 7, ठीक। तो देखिए ये जो आपका शेडेड रीजन है इसका जो एरिया आ गया है वो कितना आ गया है 128 बाई 7 स्क्वायर। अगर हमें इसका एरिया चाहिए तो जिस शेडेड रीजन का हमने अभी अभी निकाला है इसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है हमारा, डी एफ बी ई डी इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन डी एफ बी डी 2 इंटू, और ये हम निकाल चुके हैं 128 बाई 7, तो ये आपका हो जाएगा 256 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो यहां से हम कह सकते हैं हेंस द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 256 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये हमारा फाइनल आंसर है।